वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको 11th क्लास की बायोलॉजी से चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि नीचे दिए गयों में से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो नीचे आपको चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इन चार स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ऐसी है जो सही नहीं है और तीन स्टेटमेंट ऐसी हैं जो सही हैं। तो बहुत ध्यान से हम चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। फ्रेंड्स रिमाइंड करो, सेल को डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। तो हमारी पहली स्टेटमेंट ही क्या हुई? गलत हुई, फॉल्स है ये, क्योंकि सेल को डिस्कवर तो रॉबर्ट हुक ने किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट भी रीड आउट कर लेते हैं, स्केल्डन एंड स्क्वैन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। बिल्कुल सही, सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केल्डन एंड स्क्वैन ने। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट जो है वो है वर्को एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो सेल्स हैं, जो नई सेल्स बनती हैं वो किससे बनती हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स पहले से प्रेजेंट हैं उन्हीं से ही नई सेल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये स्टेटमेंट किसने दी थी? रडोल्फ विर्कोह ने। आपको ध्यान रखना है इस स्टेटमेंट को। और ये स्टेटमेंट किसने दी है, किस साइंटिस्ट ने दी है? रडोल्फ विर्कोह ने, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन ए सिंगल सेल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सिंगल सेल की ही बनी होती है, तो इसलिए उसकी सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज भी कहाँ होगी? उसी सिंगल सेल बॉडी में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, नई सेल्स बनती हैं किससे बनती हैं? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट थी जिनमें से एक स्टेटमेंट यही थी कि रडोल्फ वर्कों ने कहा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नई सेल्स जनरेट होंगी किससे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इन्होंने आंसर में बताया है अकॉर्डिंग टू द बायोजेनिक थ्योरी, बायोजेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यू सेल्स हैं वो सिर्फ कहाँ से रेज होंगी? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो पहले से उपस्थित सेल हैं उन्हीं से ही ओरिजिनेट होगी। और एक कंप्लीट सेल को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो नई सेल्स को बर्थ देती हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं और कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जिन्हें हमें मैच करना है। हमें बताना है कि कौन सी टर्म की डेफिनेशन कौन सी है, कौन सी चीज़ किससे बिलोंग करती है। तो हमारी जो टर्म्स दी गई हैं, फर्स्ट टर्म है क्रिस्टे। क्रिस्टे कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? क्रिस्टे मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं। पहली मेम्ब्रेन जो है वो सिंपल होती है, प्लेन होती है, और दूसरी मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं कुछ इस तरह से। एक रफ सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, पॉइंटर से सही से ड्रॉ नहीं हुआ है, पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन्स हैं उसमें इनफोल्डिंग्स होती है,
जिन्हें हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोलते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का नाम हमने दिया है क्रिस्टे। सेकेंड टर्म है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने हमें कहाँ मिलते हैं? ये गोल्जी ऑपरेटर्स का एक पार्ट है। गोल्जी ऑपरेटर्स में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिस्क शेप का, प्लेट लाइक, उसे हम बोलते हैं सिस्टर्ने। नेक्स्ट हमारी टर्म है थायलाकोइड्स। थायलाकोइड्स हमें मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। क्लोरोप्लास्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसका जो मिड पार्ट होता है, उस मिड पार्ट में जैसे प्लेट्स होती हैं वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी प्लेट्स पे प्लेट्स इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थायलाकोइड्स बोलते हैं। तो अब हम मैच करेंगे इन्हें। सिस्टर्ने कहाँ मिलते हैं? अब हम एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या दी हुई है, फिर हम मैच करेंगे। पहले दिया फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्सिन स्ट्रोमा इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड थर्ड है डिस्क शेप्ड सेक्सिन गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स में हमें क्या मिलते हैं? सिस्टर्ने। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या मिलते हैं? क्रिस्टे। और थायलाकोइड्स हमें कहाँ मिलते हैं? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके उसे हमने नाम दिया स्ट्रोमा। तो ये हमारे हो गया थर्ड क्वेश्चन, करेक्ट मैच हमने कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि कौन से स्टेटमेंट गलत है, उनमें हमें तीन स्टेटमेंट सही दी गई थी और एक स्टेटमेंट गलत थी। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मींस हमें तीन स्टेटमेंट फॉल्स दी गई है और एक स्टेटमेंट हमें सही दी गई है। तो हम चेक करते हैं कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन सी गलत हैं। पहली हमारी टर्म है सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस, कि सभी ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस होता है। क्या ये टर्म सही है? तो नहीं, ये टर्म सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि हमने दो तरह के और सेल्स पढ़े थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं और दूसरे जो यूकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल हमने पढ़ी थी उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जेनेटिक मटीरियल उनका साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो इसलिए, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अलावा कुछ और भी ऐसी सेल्स हैं, जाइलम की सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसे कंपेनियन सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियस होता है, वो अपनी कंपेनियन सेल का साथ देती हैं अपने न्यूक्लियस की हेल्प से, उनकी हेल्प करती हैं वो। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड सेल वॉल। ये स्टेटमेंट कहती है कि एनिमल और प्लांट दोनों में ही वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है। क्या ऐसा होता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल के बाहर किसी तरह की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल्स के बाहर। नेक्स्ट है इन प्रोकैरियोट्स देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट हमें कहती है कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल एक बिल्कुल ही सिंपल सेल होती है। प्रोकैरियोट्स बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ही सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, वो भी वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती हैं। सभी ऐसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस यूकैरियोट्स में, उनकी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। लास्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है सेल्स आर फॉर्म डिनोवा फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल्स। बिल्कुल सही। तो यहाँ सॉरी गलत, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं, उनमें बायोटिक मटीरियल्स होता है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि एक स्टेटमेंट हमें सही दी गई है, बाकी तीन स्टेटमेंट गलत हैं, रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।